नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और बहुत गर्मी पड़ रही है। हम एसी या कूलर में बैठे रहते हैं और धूप में चले जाते हैं, या धूप में होते हैं तो घर आकर एसी या कूलर में बैठ जाते हैं। बहुत गर्मी में होते हैं, धूप में होते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं। इससे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो सर्दी जुकाम होता है, इसे हम समर कोल्ड कहते हैं, मतलब गर्मियों में होने वाला सर्दी जुकाम, सर्द गर्म वाला जुकाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये समर कोल्ड हमें क्यों हो जाता है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम सबसे पहले इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। उसमें नंबर वन पे होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, वो है रीनो वायरस का इन्फेक्शन। यह एक संक्रामक बीमारी है जिससे एक दूसरे को लग जाती है। नंबर टू इसका रीज़न होता है हे फीवर। ये एलर्जी के कारण हो जाता है। स्पेशली इसमें पेशेंट को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, जिससे पेशेंट को नाक से पानी आने लगता है, नाक बंद हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसमें नंबर तीन पे होता है, किसी खास फूल से या किसी टाइप की पर्सनल एलर्जी हो सकती है, या किसी जानवर की भी एलर्जी के कारण इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। और नंबर चार, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, कि सर्द गर्म से भी बॉडी उतनी जल्दी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती और पेशेंट को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, समर कोल्ड की बीमारी मार्च अप्रैल के महीने से ही शुरू हो जाती है, जब चेंज ऑफ वेदर होता है, मीन्स ठंड से गर्मी का मौसम जब आता है, तब पेशेंट को इस तरह के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम यह देखा गया है कि पेशेंट को गले में खराश फील होती है, उसको गला फंसा फंसा सा फील होता है, कभी कभी गले में दर्द भी हो सकता है और पेशेंट को होसनेस ऑफ वॉइस, मीन्स उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, इस तरह का फील होता है। इसमें नंबर टू सिम्टम यह होता है कि पेशेंट को नाक से पतला पानी बहता हुआ लगता है और साथ में छींकें शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को टिप ऑफ द नोज पे इचिंग होगी और उसको बहुत ही इरिटेशन होता है और मिडिल हेड पे उसको हेडेक भी हो सकता है। इसमें नंबर तीन सिम्टम यह देखा गया है कि पेशेंट को नोज़ ब्लॉक की शिकायत फील होती है, कभी कभी एक नोज़ ब्लॉक होती है, कभी दूसरी होती है, या दोनों भी हो सकती हैं, और नाइट में लेटने के टाइम ये कंप्लेंट बढ़ जाती है। इसमें पेशेंट को गले में, माउथ में और थ्रोट में ड्राइनेस फील होती है, सूखापन फील होता है, इससे पेशेंट को बहुत ही इरिटेशन फील होती है, और यदि इसको अवॉइड किया जाए या इग्नोर किया जाए तो फिर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये ड्राई कफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एक सिम्टम और देखा गया है कि पेशेंट को मैलेस, मतलब उसको पूरी बॉडी में पेन फील होता है और साथ में उसको कभी कभी हेडेक में मिलता है। इसमें कॉमनली फीवर नहीं होता है, लेकिन यदि फीवर आता भी है तो बहुत स्लाइट फीवर आएगा बॉडी एक के साथ। अब हम इसके प्रिकॉशन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि जब भी पेशेंट को इस तरह की तकलीफ होती है, उसको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और दूसरा उसको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये संक्रामक बीमारी से भी हो जाता है, तो यदि घर में किसी मेंबर को इस तरह का समर कोल्ड है तो आपको दूरी बना के रखना है। और नंबर तीन, यदि आपको लगता है किसी चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की आपको एलर्जी है, तो आपको उससे भी बच के रहना है। और नंबर चार, जो मैंने बताया है कि आपको जो सर्द गर्म की सिचुएशन में नहीं आने देना है अपनी बॉडी को, कोशिश करें कि यदि आप एसी वाली कार में जा रहे हैं और आपको उतरना है तो थोड़ी देर पहले ही एसी बंद कर दें और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट होने का टाइम दें। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन आती है नैट्रम सल्फ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को इस तरह के सिम्टम चेंज ऑफ वेदर के कारण आते हैं, यदि उसके नाक से पतला पानी आ रहा है और कभी कभी यह डिस्चार्ज थिक येलो भी हो सकता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें नंबर टू पर मेडिसिन होती है ब्रायनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को नोज़ में, माउथ में, थ्रोट में
बहुत ड्राइनेस फील होती है और उसकी पानी की प्यास बढ़ जाती है और वह एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। और यदि वह इसको अवॉइड करता है, ध्यान नहीं देता है, तो उसकी आवाज़ में भी चेंज आता है और धीरे धीरे उसको सूखी खांसी भी चलने लगती है। जब इस तरह के सिम्टम आते हैं तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। नंबर 3 पर मेडिसिन आती है जलसीमियम। यह मेडिसिन पेशेंट को तब देते हैं जब उसको अंदर ड्राइनेस फील होती है और कभी कभी उसको वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, साथ में उसको हेडेक भी बना रहेगा और उसको कभी कभी फीवर भी मिल सकता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें नंबर 4 पर मेडिसिन आती है एलियम सीपा। यह मेडिसिन अनियन या प्याज से बनती है, इसलिए यह गर्मी के समर कोल्ड में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें मेनली पेशेंट को जब वो वार्म रूम में आता है, उसके नाक से यदि एक्विट वाटरी डिस्चार्ज निकलने लग जाए तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। गले की खराश है और साथ में हेडेक भी है तो भी अच्छा काम करती है। हे फीवर की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। तो यह मेडिसिन पूरे समर कोल्ड को बहुत अच्छे से कवर करती है दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके समर कोल्ड को ठीक होने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।